वैसे तो मानव शरीर के विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद सबसे अचूक इलाज होता है, क्योंकि आयुर्वेद आदिकाल से अब तक वेद हकीमों और डॉक्टरों को अपनी सफलता का लोहा मनवा चुका है। क्योंकि आज हम ऐसे ही एक आयुर्वेद के पौधे की बात करने जा रहे हैं जो मानव शरीर के विभिन्न बीमारियों में इसके प्रयोग से अचूक इलाज होता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अतिबला के पौधे की, जो आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जो सभी को आसानी से आपके आसपास खेत खलियानों और जंगलों में मिल जाता है। इस अतिबला के पौधे का प्रयोग शरीर की विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए किया जाता है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों, सभी वर्ग के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद का ये अतिबला पौधा किसी रामबाण से कम नहीं है। लोगों को आसानी से मिल जाने वाला ये पौधा अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है, और इस अतिबला के पौधे के प्रयोग से मानव शरीर में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आसानी से लोग इसका इस्तेमाल कर अपने शरीर की बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। इन बीमारियों में काफ़ी कारगर है अतिबला के फूल, पत्ते, तना, सब में काफ़ी ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। इस औषधियों को नियमित सेवन करने से ये हमें यौन शक्ति, बवासीर, खांसी, शुक्राणु जैसे कई बीमारियों में लाभकारी है। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अमित वर्मा ने बताया, अतिबला एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। कई क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अतिबला आयुर्वेद के हिसाब से ये शरीर में ताकत बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन बहुत ज़्यादा होती है और एंटीऑक्सीडेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। बवासीर में अतिबला के बीजों को पीस कर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके मसे सूख जाते हैं, और साथ ही इसके पत्तों का रस निकाल करके इस्तेमाल किया जाए तो शरीर में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसको बनाता है, जिससे शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा अतिबला के फूलों को पीस कर इसका रस निकाल कर पानी के साथ सेवन किया जाए तो शुक्राणु की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही खांसी की बीमारी में इसके बीजों को चूर्ण बनाकर गर्म पानी के साथ लेने से काफ़ी लाभ होता है। अतिबला जो होता है, ये इसको कई अलग अलग क्षेत्रीय नाम इसके लिए होते हैं, लेकिन इसका मेन इस्तेमाल बल्ले का इस्तेमाल करते हैं। बल्ले आयुर्वेद की भाषा में कहा तो शरीर में ताकत का मात्रा बढ़ाए, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा ताकत होता है, मिनरल विटामिन बहुत होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की अच्छी होती है। बीज को अगर हम इसको पीस करके इस्तेमाल करते हैं तो बवासीर के जो मस्से हो जाते हैं उनको सूखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। पत्ते का रस अगर इसका निकाल करके इस्तेमाल किया जाए तो शरीर में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसको बनाता है, इंसुलिन फॉर्मेशन में मदद करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा होता है इसका इस्तेमाल के लिए। इसके पुष्प का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ इसका फूल होता है, अगर फूल को इसको पीस करके इसका रस का निकाल करके पानी के साथ में इस्तेमाल किया जाए तो शुक्राणु की मात्रा को बढ़ाने का बहुत अच्छा, पुरुषों की नपुंसकता है, बंधन जो है उसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ इसमें स्किन की टेक्सचर के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से शरीर में जितने भी रोग हो रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम, एज एंटी एजिंग फैक्टर होता है, शरीर में उम्र का जो प्रॉब्लम होती है, उम्र की वजह से थकान आती है, कमजोरी आती है, उसको रिकवर करने में काफ़ी मदद करता है।